हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा आपको पता है कि नेवी जो इंडियन नेवी है उन्होंने मैट्रिक रिक्रूट्स मतलब बोले तो MR की वैकेंसी निकाली हुई है। इसमें जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 1 अप्रैल 2002 से दिया हुआ है 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2005 के बीच में इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इस एज के बीच में लोग अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो इन्होंने सबसे पहले जब बात करें कि इसमें फिर इसके बाद बात आती है एज एज क्राइटेरिया, इसमें इसी के बाद में बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें मैट्रिक्स मांगते हैं, हाई स्कूल का मांगते हैं, तो हाई स्कूल जो पर्सन पास होगा उसके लिए इन्होंने जो नेवी MR की भर्ती निकाली जाती है। हर साल वर्ष में 2 बार निकाली जाती भर्ती है। और इसके पहले जो हमारे एग्ज़ाम होते थे 2018 से 2020 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, नेवी का हो एयरफोर्स का हो, दोनों सारे एग्ज़ाम हमारे ऑनलाइन हुए हैं। और इसमें जो परसेंटेज था, परसेंटेज का कोई बॉन्ड नहीं रखा है। और हर बार हमारा जो एडमिट कार्ड था आता था। इस बार क्या हुआ है, और जब से कोविड लगा हुआ है, नेवी अंगड़ी अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एडमिट कार्ड आए हुए थे शायद 94% तक यूपी को कट ऑफ था। सभी बच्चे एलिजिबल नहीं हुए जैसा कि बताया गया आपको। सब कोई किसी की एडमिट कार्ड नहीं है, जिसने मतलब जिसके भी इतने परसेंटेज थे उन्हीं लड़कों को बुलाया गया, उन्हीं को कॉल अप किया गया, बाकी इसके बाद किसी को बुलाया नहीं गया। तो इस बार भी उन्होंने यही रखा हुआ है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो इस बार जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रहेगा, एग्ज़ाम हम इस बार भी ऑफलाइन होगा, और वहीं पे सेम डे वहीं पे फिजिकल पर करवाई जाएगी। तो वन बाय वन अभी हम बताते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हमने कि एज का क्राइटेरिया ये रहेगा, 10th पास। जो क्वालिफिकेशन की बात आती है तो क्वालिफिकेशन 10th में मांग रहा है। अब इसके बाद जो टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा। एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम के लिए बात करें तो ये ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम, श्योरिटी है एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम देने के आपके 30 मिनट बाद, केवल 30 मिनट बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट देने के बाद में जो बच्चे पास आउट होंगे, जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ होगा, उनको वहीं पे सेम डेज वहीं पे PFT करवाया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में बात आती है कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो 1600 मीटर की दौड़ होती है, 1600 मीटर आपको रन करना है 7 मिनट में, 1600 मीटर आपको रन करना है 7 मिनट में। फिर इसके बाद में 20 स्क्वाट्स लगवाते हैं आपसे, उठक बैठक, 10 पुशअप के लिए बात करते हैं, 10 पुशअप्स लगवाई जाती हैं। 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स लगवाते हैं, 10 पुशअप लगवाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मेडिकल होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, तो मेडिकल के लिए देखेंगे, मेडिकल प्रोसेस होता है। मेडिकल में सबसे पहले 157 आपकी हाइट होनी चाहिए, मिनिमम आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और उसी जिस हिसाब से आपकी हाइट होगी उसी रेशियो से आपको उनका वेट होता है, जैसा भी वो करें उस हिसाब से कर लेते हैं। फिर इसके बाद चेस्ट का जो एक्सपेंशन है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए आपका चेस्ट, जितना भी हो आपका जब फुला हो तो आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। फिर इसके बाद में आई विजुअल आता है, आई के लिए 6x6 आँख होनी चाहिए विदाउट ग्लास, या ग्लास के साथ भी आपकी 6x6 ही ग्लास आई समारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में बात आती है, जब आपको कॉल लेटर मिल जाता है तो 12 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसको आपको INS चिल्का में कंप्लीट करवाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो नेवी MR मैट्रिक रिक्रूट्स जो है, नेवी MR या मैट्रिक रिक्रूट्स, दोनों बात ही एक ही है, MR शॉर्ट फॉर्म है। और इसके लिए सबसे पहले जो मेन क्राइटेरिया मेन बात थी जो नंबर ऑफ वैकेंसी, तो इसमें 300 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इस बार हमारी 300 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये हमारा देखा हमने कि नेवी MR के बारे में इतना सारा प्रोसेस है। और जिसके भी मतलब 90+ नंबर हैं, जिस भी बच्चे के यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड, अगर आपका 90+% है 10th में, तो आप फॉर्म डालिएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको सेम रिटर्न देना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।